दोस्तों, पिंग 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 आपने कई बार देखा होगा इंटरनेट के ऊपर और सुना होगा, खास करके जब हम इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करते हैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट डॉट नेट के ऊपर या फिर अपने मोबाइल ऐप के अंदर। तो डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और पिंग, डाउनलोड और अपलोड तो हमें समझ में आता है कि क्या है, लेकिन पिंग, ये पिंग आगे क्या चीज़ है? तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये पिंग क्या है, आपको कितनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो देखते रहिए ये वीडियो, इसमें हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि पिंग को एकदम सरल रूप से मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि कोई आपके पास, आप किसी चट्टान पे खड़े हो, आप किसी पहाड़ पे खड़े हो, वहां से यदि आप चिल्लाओगे तो दूसरे पहाड़ों से टकराकर या फिर जमीन से टकराकर जब आवाज आपके पास वापस आएगी, तो जितना समय लगता है, या फिर जैसे आपने देखा होगा कुआं, एक वेल जिसमें आप नीचे मुंह करके कुछ भी बोलते हो तो थोड़ी कुछ आधे एक सेकंड के बाद में आवाज रिप्लाई आती है। जैसे कि अब आप सुनोगे मैं बोलूंगा, तब ध्यान देना जरा, हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो इस तरह से जैसे ये आधा एक सेकंड का जो टाइम लगा है, इसे कहते हैं रिप्लाई टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, लेटेंसी टाइम, और इसे ही कहते हैं पिंग। यानी कि आप जब एक रिक्वेस्ट भेजते हो इंटरनेट के ऊपर, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो अपने ब्राउजर के अंदर, तो आप उस वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजते हो, डेडिकेटेड रिक्वेस्ट जाती है, तो वो वेबसाइट कितनी जल्दी उसको आपको रिप्लाई देती है, कितनी जल्दी आपको वेब पेज खोल के देती है, उसे बोलते हैं उसका पिंग टाइम। ये जितना कम होता है, यही चीज़ है इंटरनेट के अंदर, अपलोड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, साफ सी बात है। और पिंग आपकी जितनी कम होती है उतनी ही अच्छा रहता है। जैसे कि वीडियो गेम्स के अंदर यदि हम बात करें, हम क्या होता है जब हम गेम्स खेलते रहते हैं, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक एक बहुत बढ़िया ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, तो ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स में हम जब खेलते हैं तो उसके अंदर हम शूट कर देते हैं अपनी तरफ से, तो ऑनलाइन खेल रहे हैं शूट कर देते हैं, लेकिन आधा सेकंड का भी यदि वहां पे गैप आ जाए तो आपको कौन गोली मार के कहां पे चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऑनलाइन गेम्स के अंदर पिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी जरूरी है। जैसे कि यदि मेरे पास कनेक्शन है दो, एक जिसकी स्पीड है 10 Mbps और उसका पिंग है 1 ms, ms मतलब मिली सेकेंड, एक जिसकी स्पीड है 100 Mbps या फिर 500 Mbps और उसका उसकी पिंग है 100 ms, तो मैं 10 Mbps वाले नेटवर्क को ही प्रेफर करूंगा। आप बोलोगे कि उसकी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा है, लेकिन नहीं, 10 Mbps के अंदर भी हमें अच्छी वीडियो आउटपुट मिल जाएगी है, क्योंकि 1 ms और 100 ms इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, और आधा सेकंड का भी यदि अंतर हो जाए तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें वीडियो गेम्स के अंदर क्या क्या कमियाँ देखने को मिल जाती है। इसीलिए जो 10 Mbps और 1 ms का कनेक्शन है वो 500 Mbps वाले कनेक्शन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, उसकी लेटेंसी बहुत कम है, उसका पिंग बहुत कम है, इसलिए वो बहुत बढ़िया है। इस तरह से आपने देखा होगा कि ईमो, स्काइप, इन सब पे हम वीडियो कॉल करते हैं। ईमो बोलता है 2G के ऊपर भी अच्छी वीडियो कॉल, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल वो दे देता है, और हम करते भी है, 2G के अंदर भी अच्छी वीडियो कॉल हो जाती है, तो उसके अंदर हम सोचते हैं कि 2G के अंदर वीडियो कॉल कर ली, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ऐसे वैसे वहाँ पे पूरा पूरा मैटर रहता है पिंग का। इसलिए ईमो से जब हम किसी को भी 2G के ऊपर भी यदि वीडियो कॉल करते हैं तो आसानी से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि पिंग उस टाइम बहुत कम रहता है, और यही कारण है कि हमें आसानी से हम वीडियो कॉल कर पाते हैं। दोस्तों, पिंग डाउनलोड और अपलोड दोनों से अलग टर्म है, इसका अपलोड और डाउनलोड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हमें ज़्यादा डाउनलोड स्पीड, यदि हम कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं बड़ा डाटा, तो हमें साफ सी बात है डाउनलोड जो स्पीड ज़्यादा देता है उसी नेटवर्क को यूज़ करना चाहिए, लेकिन यदि हमें चाहिए एक कंसिस्टेंट, एक स्टेबल नेटवर्क जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीप्लेयर गेम्स, ये सारे एक्टिविटीज करना चाहें बहुत अच्छी क्वालिटी पे, बहुत हाई रेट के ऊपर, तो हमें एक कम पिंग वाला ही नेटवर्क चूज करना चाहिए बजाय ज़्यादा Mbps की स्पीड वाला। दोस्तों, यदि हम बात करें YouTube की, तो YouTube के अंदर आपने देखा होगा कि बफर करता है वो प्लेयर, एक बार जब हम उसे चालू कर दें तो वो बफर जितनी देर में करता है आपने देखा होगा, वो एक बार बफर करता है फिर रुक जाता है, एक बार बफर करता है फिर रुक जाता है, तो जितना ज़्यादा बफर करता है वो तो है आपकी डाउनलोड स्पीड। यानी यदि 1 सेकंड वो ले रहा है और 1 सेकंड में वो लगभग 50% यदि बफर कर गया तो वो तो है आपकी डाउनलोड स्पीड, लेकिन वो 1 सेकंड का जो टाइम ले रहा है वो है आपकी पिंग स्पीड।
और वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको देरी से बफर करता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके अंदर पिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक बार आपको शुरू में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 सेकंड बाद में वो बहुत ज़्यादा बफर हो जाएगा आपकी डाउनलोड स्पीड यदि ज़्यादा है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा पिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लाइव टीवी ये सारे लाइव गेमिंग ये सारे करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कम से कम पिंग वाले ही नेटवर्क को चूज करना चाहिए। यदि आप अपने नेटवर्क के ऊपर जानना चाहते हैं उसकी पिंग कितनी है तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखिए, विंडोज़ के अंदर आराम से आता है और मैक के अंदर भी आता है इसका ऑप्शन। और विंडोज़ के अंदर जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे तो हम हमें टाइप करना है पिंग और उसके आगे कोई भी हम वेबसाइट का नाम लगा सकते हैं, जैसे facebook.com या फिर youtube.com। तो आपको नीचे बता देगा कि कितनी MS यानी कितनी मिली सेकेंड में ये साइट आपको रिस्पॉन्स देगी, यानी आपको कितनी जल्दी आपको रिप्लाई मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो और आपको समझ में आ गया होगा कि पिंग क्या है, किस तरह से काम करती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, अब देखते हैं कि आप कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। और याद रखिए पिंग जितनी कम होगी उतना ही अच्छा रहेगा, तो जल्दी से उस रेड बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।